नमस्कार दोस्तों, आप सबको हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। चलिए देखते हैं लेसन 6 अध्याय 6। यहाँ पे हम आज कुछ संख्याओं को देखेंगे और उसका अनुवाद को जानेंगे। यहाँ पे हमने कुछ ही संख्याओं को लिया है जैसे कि उसका अनुवाद बताने के लिए। यहाँ पे देखिए 5, उसका अनुवाद कन्नड़ा में होगा ऐदू। 50, उसका अनुवाद होगा ऐवत्तु। 500, उसका अनुवाद होगा ऐनूरु। 5000, उसका अनुवाद होगा ऐदु सावेरा। तो देखिए 5 ऐदु, 50 ऐवत्तु, 500 ऐनूरु, 5000 ऐदु सावेरा। यहाँ पे देखिए 9 उम्बत्तु, 96 तुम्बत्तारु, 96। अभी यहाँ पे देखिए नमस्कार, आपके कार का दाम क्या है। नमस्कार, आपके कार का दाम क्या है, या फिर आपका काम कार का दाम क्या है। इसका अनुवाद कन्नड़ा में होगा नमस्कार, आपके निम्मा कार का कारी न दाम बेले बेले क्या एस्टु, या फिर एनु भी हो सकता है, या फिर कितना है उसका अनुवाद एस्टु हो सकता है, या फिर क्या उसका अनुवाद इन हो सकता है। है शब्द का प्रयोग हम कन्नड़ा में नहीं करते हैं। तो देखिए फिर से नमस्कार, आपके कार का दाम क्या है, या फिर कितना है। नमस्कार, निम्म कारिन बेले एस्टु, या फिर निम्म कारिन बेले एनु। यहाँ पे देखिए मेरे कार का दाम 8 लाख रुपया है। मेरे कार का दाम 8 लाख रुपया है, या फिर मेरा कार का दाम 8 लाख रुपया है। इसका अनुवाद कन्नड़ा में होगा नन्ना कारिन बेले 8 लक्ष रुपाईगळु। यहाँ पे देखिए मेरा, इसका अनुवाद है नन्ना, कार का, इसका अनुवाद है कारिन, दाम, इसका अनुवाद है बेले, 8, इसका अनुवाद है 8, लाख, इसका अनुवाद है लक्ष, रुपाया रुपाय, इसका अनुवाद है रुपाय है, इसका अनुवाद है रुपाई गणु। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए ई हण्णिन बेले एष्टु, या फिर आ हण्णिन बेले एष्टु। हमने देखा है कि ई और आ को भी हम ये और वो से संबोधित करते हैं। तो देखिए यहाँ ई का अनुवाद ए होता है, इदु का अनुवाद भी ए होता है, आ का अनुवाद वो होता है, अदु का अनुवाद भी वो होता है। तो देखिए यहाँ पे ई हण्णिन बेले एष्टु, ये फल का दाम कितना है, या फिर आ हण्णिन बेले एष्टु, वो फल का दाम कितना है। यहाँ पे देखिए इंग्लिश में इसका अनुवाद ये होगा व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ दिस और दैट फ्रूट। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्म मनेय बाड़िगे एष्टु, तो हिंदी में देखेंगे हम पहले, तुम्हारा घर का भाड़ा या फिर किराया कितना है। तुम्हारा निम्म घर का मनेय भाड़ा या फिर किराया बाड़िगे कितना एष्टु है, शब्द का प्रयोग कन्नड़ा में नहीं होता है। तो अगर हम इंग्लिश में देखें तो व्हाट इज़ द रेंट ऑफ योर हाउस, ये होगा। यहाँ पे देखिए इसको आप याद पे रखना होगा, किसी शब्द के अंतिम में अगर गे गे या फिर के आता है तो उसका अनुवाद हिंदी में को होता है, उसका अनुवाद हिंदी में को होता है। तो यहाँ पे देखिए ये हम कुछ शब्दों को देखेंगे और वाक्य को देखेंगे तब आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे देखिए ये कन्नड़ा शब्द है ಹಳ್ಳಿಗೆ ತಿಂಡಿಗೆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹಳ್ಳಿ ಹೇ ಗಾಂವ್ ತಿಂಡಿ ಹೇ ನಾಷ್ಟಾ ಗಿಡ ಹೇ ಪೌಧಾ ಅಂಗಡಿ ಹೇ ದುಕಾನ್ ತೊ ಯಹಾಂ ಪೆ ದೇಖಿಯೆ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಗಾಂವ್ ಕೋ ತಿಂಡಿಗೆ ನಾಷ್ಟೆ ಕೋ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಪೌಧೋ ಕೋ ಅಂಗಡಿಗೆ ದುಕಾನ್ ಕೋ ತೊ ಯಹಾಂ ಪೆ ದೇಖಿಯೆ ಮೈ
गांव को जा रहा हूँ, मैं गांव को जा रहा हूँ। कन्नड़ा में इसका अनुवाद होगा नानु हल्लिगे होरटिद्देने, मैं नाश्ते को जा रहा हूँ। नानु तिंडिगे होरटिद्देने, मैं पौधों को पानी डाल रहा हूँ। नानु गिडक्के नीरु हाकुत्तिद्देने, मैं दुकान को जा रहा हूँ। या फिर नानु अंगडिगे होगुत्तिद्देने। यहाँ पे देखिए, देवरिगे मगुविगे तंदे यवरिगे, देवरु भगवान, मगु बच्चा, तंदे पिताजी। तो यहाँ पे देखिए, देवरिगे भगवान को, तो यहाँ पे देखिए देवरिगे भगवान को, मगुविगे बच्चे को, तंदेयवरिगे पिताजी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब भी अल्ली शब्द किसी शब्द के अंतिम में आता है तो उसका अनुवाद में होता है। तो यहाँ पे हम कुछ शब्दों को देखेंगे। देखिए, तम्मा, इसका अनुवाद है छोटा भाई। तम्मा है छोटा भाई, अन्ना है बड़ा भाई, तम्मा छोटा भाई। तम्मनल्ली, अल्ली अल्ली, तम्मनल्ली छोटे भाई में। तो आप ऐसे कह सकते हो, नन्न तम्मनल्ली तुम्बा वल्लेय गुणगळिवे, मेरे छोटे भाई के पास या फिर मेरे छोटे भाई में बहुत अच्छे गुण हैं। तो यहाँ पे भाई के पास भी हो सकता है, पर यहाँ तम्मना हत्तीरा होना चाहिए। पास, उसका अनुवाद है हत्तीरा, पर यहाँ हम बोल रहे हैं तम्मनल्ली, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं छोटे भाई में। यहाँ पे देखिए, मरा, उसका अनुवाद है पेड़। मरदल्ली, पेड़ में। तो आप ऐसे बोल सकते हो, मरदल्ली तुम्बा मावेना हन्नुगळिवे, पेड़ में बहुत आम है, पेड़ में बहुत आम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला शब्द है अच्छा है, तो उसका अनुवाद है चन्ना घी दे, चन्ना घी दे, चन्ना घी दे। अच्छा नहीं है चन्ना गिल्ला, चन्ना गिल्ला। इसका ऐसा होता है चन्ना घी, अच्छा चन्ना घी प्लस इदे चन्ना घी दे, तो वो होगा अच्छा है चन्ना घी दे। अच्छा चन्ना घी नहीं, इल्ला चन्ना घी इल्ला। अच्छा है क्या चन्ना गिदेया, चन्ना गी दे या, चन्ना गी दी या। यहाँ पे देखिए, मैं अच्छा हूँ या फिर मैं अच्छा नहीं हूँ, तो इसका अनुवाद होगा मैं नानू अच्छा हूँ चन्ना गिद्दे ने, अच्छा नहीं हूँ चन्ना गिल्ला। मैं अच्छा हूँ नानू चन्ना गिद्दे ने, मैं अच्छा नहीं हूँ नानू चन्ना गिल्ला। तुम्हारा तबीयत अच्छा है क्या, तुम्हारा तबीयत अच्छा है क्या। तुम्हारा, इसका अनुवाद है निम्मा, तबीयत, इसका अनुवाद है आरोग्य, अच्छा है क्या। यहाँ पे हमने देखा अच्छा है क्या, चन्नागिदेया। निम्मा आरोग्य चन्नागिदेया, निम्मा आरोग्य चन्नागिदेया। Click subscribe and the bell icon to get all the notifications from Kannada TV.